श्रीदेवी ने कभी संजय दत्त के साथ काम क्यों नहीं किया? क्यों अपने 40 साल के करियर में श्रीदेवी ने सिर्फ एक फिल्म संजय दत्त के साथ की? ऐसी क्या दुश्मनी थी श्रीदेवी की संजय दत्त के साथ, वो हम आपको आज यहाँ बताएंगे। आपको ये बताएं कि 1981 में फिल्म रॉकी से संजय दत्त बॉलीवुड में लॉन्च हुए थे। बॉलीवुड के दो स्टार्स के वो बेटे थे, उनकी माँ नरगिस बहुत नामचीन एक्ट्रेस रहीं, पिता सुनील दत्त बहुत नामचीन एक्टर रहे, और फिल्मी बैकग्राउंड में पले बढ़े, अमीर परिवार में पले बढ़े। तो बॉलीवुड में जब वो लॉन्च हुए तो संजय दत्त का एक अलग ही रुतबा था, एक अलग ही दबदबा था, और कहीं ना कहीं उनको आप कह सकते हैं कि बैड बॉय वाली उनकी इमेज थी। सबने देखा फिल्म संजू में खुद संजय दत्त ने इस बात का खुलासा किया कि उनकी 308 गर्लफ्रेंड्स थी और उसमें उन्होंने वन नाइट स्टैंड्स और बाकी जो है चीज़ें तो जोड़ी नहीं थी, सिर्फ 308 गर्लफ्रेंड उनकी रही बॉलीवुड और इसके आसपास में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का उनका मिजाज रहा होगा। ज़्यादातर एक्ट्रेसेस जिनके साथ संजय दत्त ने फिल्में की, कहते हैं उनके साथ उनका अफेयर रहा, कभी सीरियस तो कभी बस कैजुअल अफेयर में वो रहे। और 80 के दशक की ज़्यादातर एक्ट्रेसेस जो हैं संजय दत्त के साथ फिल्में करती थी, उनके आगे पीछे घूमती थी, ये भी एक सच है। रति अग्निहोत्री के बारे में कहा जाता है कि वो संजय दत्त के साथ शादी तक करना चाहती थी। किमी काटकर के साथ संजय दत्त का अफेयर रहा, टीना मुनीम के साथ उनका अफेयर रहा, तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ उनके रिलेशनशिप रहे, माधुरी दीक्षित के साथ उनका नाम जुड़ा। तो एक और एक्ट्रेस थी जिनके साथ संजय दत्त को लगता था कि वो जाएंगे बात करेंगे तो वो जो है उनसे पट जाएगी, तो वो एक्ट्रेस श्रीदेवी थी। जाहिर है श्रीदेवी 1983 में फिल्म हिम्मत वाला के ज़रिए बॉलीवुड में अपना करियर बनाने आई थी। वो उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म थी और कहा जाता है कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान वो अपने मेकअप रूम में तैयार हो रही थी और तभी संजय दत्त नशे में धुत वहाँ पहुँचे थे और वो ज़ोर ज़ोर से श्रीदेवी के मेकअप रूम का दरवाज़ा पीटने लगे। ये देख श्रीदेवी घबरा गई। यही नहीं, संजय दत्त दरवाज़ा पीटते हुए श्रीदेवी के बारे में अनाप शनाप बातें भी बोल रहे थे और ये सुनकर श्रीदेवी को काफ़ी बुरा लगा। हालांकि जब वो बहुत देर तक दरवाज़ा पीटते रहे तो श्रीदेवी ने दरवाज़ा खोला और उसके बाद संजय दत्त ने उनको बहुत भला बुरा कहा। वो नशे में थे, उनको किसी तरह वहाँ से हटाकर ले जाया गया, लेकिन श्रीदेवी को ये बात बहुत चुभ गई कि कोई कैसे उनके साथ इस तरह का बदसलूकी करता है। भले ही श्रीदेवी को अपने फिल्मी पर्दे पर चुलबुली लड़की का किरदार करते हुए देखा हो, हंसते हुए देखा हो, लेकिन रियल लाइफ में बहुत सीरियस थी। यहाँ तक कि फिल्मों के सेट पर वो बहुत ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। कैमरा ऑफ होते ही श्रीदेवी बिल्कुल शांत हो जाती थी और अपने काम पर बस उनका फोकस रहता था। लेकिन श्रीदेवी के साथ जब संजय दत्त ने इस तरह की बदसलूकी की तो कोई भी फिल्म मेकर जब उनके पास संजय दत्त के साथ फिल्म लेकर जाता था तो श्रीदेवी सीधे मना कर देती थी। लेकिन 90 के दशक में एक फिल्म आई थी गुमराह, उस फिल्म में श्रीदेवी और संजय दत्त ने साथ में काम किया था। वो एक ठीक ठाक सेमी हिट फिल्म थी। महेश भट्ट ने उस फिल्म का निर्देशन किया था और करण जौहर के पिता यश जौहर ने उस फिल्म को बनाई थी और वो एक अच्छी ठीक ठाक फिल्म थी। और ये वो दौर था जब श्रीदेवी बॉलीवुड की नंबर वन स्टार थी। ना उस समय अमिताभ बच्चन का दौर था, ना खान्स का दौर था, वो दौर था श्रीदेवी का। श्रीदेवी अपनी पसंद से फिल्म का हीरो तक चुनती थी। बहुत मनाने पर श्रीदेवी मान गई संजय दत्त के साथ काम करने के लिए और उन्होंने दोनों ने ये गुमराह फिल्म की और उसके बाद जो है उनके गिले शिकवे दूर हुए। आपको ये बताएं, अगर श्रीदेवी जीवित होती तो कलंक फिल्म अभी करण जौहर ने एक बनाई थी जिसमें संजय दत्त भी थे और संजय दत्त के साथ माधुरी दीक्षित ने काम किया। माधुरी दीक्षित वाला रोल पहले श्रीदेवी करने वाली थी और उनके निधन के बाद ये रोल जो है माधुरी दीक्षित के पास गया। माधुरी ने इस रोल को किया और आपको भी पता है माधुरी दीक्षित और संजय दत्त का नाम भी कभी जुड़ा था तो बहुत ही फॉर्मल होकर उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग की। बहुत ज़्यादा वो संजय दत्त से बात नहीं करती थी फिल्म के सेट पर, ना ही वो फिल्म के जो प्रमोशनल इवेंट्स थे उसमें बहुत ज़्यादा संजय दत्त के करीब जाती थी। तो ऐसा कुछ रहा है किस्सा संजय दत्त का। भले ही उनकी 308 गर्लफ्रेंड्स बॉलीवुड में रही हों, भले ही उनके हैंडसम लुक पे बहुत सारी लड़कियां फिदा हो, लेकिन श्रीदेवी ने जो उनको सबक सिखाया था वो उनको हमेशा याद रहा।